हेलो फ्रेंड, जियो पर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हमने अब तक रूल 57(4) तक देख लिए थे। इस वीडियो में हम रूल 57(5) देखने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड द अकाउंट ऑफिसर शैल बी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मंथली रिकंसिलेशन ऑफ द फिगर्स गिवन इन द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद दोज अपीयरिंग इन द अकाउंट ऑफिसर्स बुक। तो ये रिस्पॉन्सिबल जॉइंटली कौन रहेंगे, तो जिसके अकाउंट्स के फिगर है वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। पहला हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो यहाँ भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और दूसरा है अकाउंट ऑफिसर, तो यहाँ भी अकाउंट ऑफिसर है। तो ये दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किस चीज़ के लिए, मंथली रिकंसिलेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स का जो मंथली रिकंसिलेशन है कहाँ पे दिखेगा, ये अकाउंट्स में, इन द अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो अकाउंट मेंटेन करेगा उसमें जो फिगर दिखेंगे वही फिगर और कहाँ पे दिखेंगे, अकाउंट ऑफिसर की बुक में। तो इन दोनों के जो फिगर्स है वो रिकंसिलेशन, मंथली रिकंसिलेशन के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और दूसरे अकाउंट ऑफिसर, मतलब HOD और AO। तो इसके प्रोसीजर रिकंसिलेशन के क्या रहेंगे, द प्रोसीजर फॉर रिकंसिलेशन शैल बी एज फॉलोज। तो पहले क्या रहेगा, DDO शॉल मेंटेन अ बिल रजिस्टर इन फॉर्म TR-28A एंड नोट ऑल बिल्स प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू PAO इन द रजिस्टर। तो यहाँ पर कहा गया है कि DDO एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसका नाम रहेगा TR-28A, और उसमें क्या नोट करेगा, तो उसने कितने बिल PAO को पेमेंट के लिए भेजे है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, DDO बिल भेज रहा है PAO को, DDO यहाँ पर बिल भेज रहा है पहले PAO को। तो सबसे पहली स्टेप यही रहेंगी, DDO बिल भेजेगा PAO को, DDO सेंडिंग बिल टू PAO, ठीक है। पहली स्टेप यही रहेंगी, DDO अपने सारे बिल पेमेंट के लिए PAO की तरफ भेजेगा। उसके बाद में दूसरी स्टेप क्या रहेगी, एज सून एज चेक्स फॉर द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर रिसीव्ड एंड और अ स्टेटस ऑफ ई पेमेंट आर वेरीफाइड फ्रॉम द रिपोर्ट अवेलेबल विथ DDO ऑन PFMS पोर्टल, दीज शैल बी नोटेड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द बिल रजिस्टर एंड DDO शैल इंश्योर दैट अमाउंट्स ऑफ चेक टैली विद द नेट अमाउंट ऑफ द बिल प्रेजेंटेड। तो पहले क्या किया था, DDO ने बिल भेजे थे PAO के लिए, उसके बाद में इसने यहाँ पर बिल भेज दिया, उसके बाद में PAO क्या करेंगे, चेक भेज देगा उस बिल के अगेंस्ट, चेक किसको भेजेंगे, DDO को। पहले DDO ने PAO को बिल भेजे, उसके बाद में PAO ने चेक भेजे DDO को, उसके बाद में PAO जो चेक भेजेगा DDO को, तो वो DDO चेक करेगा उसको, जो बिल भेजे थे उसने उसके हिसाब से बराबर चेक आए हैं या नहीं। उसके बाद में जो ऑनलाइन रिपोर्ट रहेगा उसके बाद में पोर्टल के ऊपर, PFMS पोर्टल के ऊपर DDO के पास, उसके हिसाब से भी ये बराबर है या नहीं। और जो बिल रजिस्टर था उसके पास, DDO के पास कौन सा रजिस्टर था, TR-28A, उसमें करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री है वो नोट करेगा उसमें। तो दो हो गए, पहले पहले DDO ने PAO को बिल भेजा, उसके बाद में PAO ने DDO को चेक भेजे। अब तीसरे देखते, इन केस एनी रिट्रेचमेंट इज मेड बाय द PAO, अ नोट ऑफ सच रिट्रेचमेंट शैल बी केप्ट अगेंस्ट द बिल इन द रिमार्क कॉलम इन TR-28। मतलब मान लो PAO ने कुछ उसमें काट छाट की है, कम करना है, PAO मान लो अगर कुछ रिट्रेचमेंट करता है उस बिल में, और उसके बाद में वो DDO को बताएगा कि ऐसा ऐसा कम करना है उसमें, तो उस केस में क्या होगा, PAO अगर DDO को बताता है कि इसमें कुछ कमी करनी है, रिट्रेचमेंट करना है बिल में, तो वो एंट्री TR-28 में PAO करेगा। TR-28A में वो जो रिट्रेचमेंट की एंट्री है, मतलब कम करना है अगर बिल में, कुछ कमी करनी है, तो उसकी एंट्री TR-28 में करस्पॉन्डिंग कॉलम में कौन करेगा, रिमार्क कॉलम में DDO। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, द PAO शैल फर्निश टू ईच ऑफ द DDOs इंक्लूडिंग चेक ड्रॉइंग DDO एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर और फ्रॉम द कंपाइलेशन शीट एवरी मंथ इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ग्रांट्स कंट्रोल बाय हिम क्लासिफाइड अंडर द वेरियस मेजर माइनर डिटेल हेड। तो अभी तक हमने देखा था, पहले DDO ने PAO को बिल भेजे,
उसके बाद में पीएओ ने डीडीओ को चेक भेजे थे। अब पीएओ और क्या भेज रहा है, उसमें जो भी मंथली स्टेटमेंट है कि कितना खर्चा हुआ है उसका भी एक स्टेटमेंट यानी एक्सट्रैक्ट डीडीओ को भेजेगा। कौन भेजेगा ये? एक्सट्रैक्ट भेजेगा। कौन? पीएओ डीडीओ को। पहले डीडीओ ने बिल भेजा, फिर उसके बदले में पीएओ ने चेक भेजे, और अब पीओ क्या भेज रहा है? एक्सट्रैक्ट भेज रहा है कि इतना खर्चा तुमने अब तक कर चुके हो, ऐसा डीडीओ को भेजेगा। तो पीएओ शाल फर्निश टू ईच ऑफ द डीडीओ इंक्लूडिंग चेक ड्राइंग डीडीओ एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर। तो पीएओ डीडीओ को एक एक्सट्रैक्ट भेजेगा एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर से, और फ्रॉम द कंपाइलेशन शीट, या फिर दूसरा अगर उसका कंपाइलेशन शीट है तो वहाँ से भेजेगा। और कब भेजेगा? हर एक महीने, एवरी मंथ। और उसमें क्या लिखा होगा उस एक्सट्रैक्ट में या उस शीट में? तो उसमें दिया होगा इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ग्रांट्स कंट्रोल बाय द क्लासिफाई बाय हिम। तो जितना भी उसको ग्रांट मिला है, इसको पीओ को, सॉरी डीडीओ को, तो उसमें से कितना उसने एक्सपेंडिचर अब तक कर दिया है उसके बारे में डिटेल होंगी। इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ग्रांट्स कंट्रोल बाय हिम क्लासिफाइड अंडर द वेरियस मेजर माइनर डिटेल हेड ऑफ अकाउंट। तो मेजर माइनर डिटेल हेड जो है उसके हिसाब से कितना उसने एक्सपेंडिचर किया है डीडीओ ने, उसके बारे में जो एक एक्सट्रैक्ट है अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर से पीएओ डीडीओ को भेजेगा। उसके बाद में द स्टेटमेंट फॉर मे टू मार्च शैल आल्सो कंटेन प्रोग्रेसिव फिगर। तो अप्रैल महीने में तो मार्च का प्रोग्रेसिव मतलब जीरो ही आएगा, मार्च में एंडिंग हो जाएगा, उसके बाद में अप्रैल में प्रोग्रेसिव टोटल जीरो रहेगी, तो मई से लेके मार्च तक प्रोग्रेसिव टोटल उसमें स्टेटमेंट में ऐड की जाएगी मई से लेके मार्च तक। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीओ द डीडीओ शैल टैली द फिगर्स रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बुक एडजस्टमेंट विद द एक्सपेंडिचर वर्कड आउट फॉर द मंथ इन द जीएफआर फाइल। तो जब पीएओ एक्सट्रैक्ट भेज रहा है कि कितना खर्चा किया, उसका एक रिपोर्ट भेज रहा है डीडीओ को, तो उसके बाद डीडीओ जैसे उसके पास वो रिपोर्ट आता है, वो एक्सट्रैक्ट आता है, वो अपने बुक से चेक करेगा कि ये बराबर है कि नहीं, उसमें बुक एडजस्टमेंट के फिगर नहीं आएंगे। और कौन सा रजिस्टर रहेगा उसके पास? जीएफआर 5। नेक्स्ट रहेगा डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ फिगर शैल बी प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेटेड बाय द डीडीओ इन कंसल्टेशन विद द पीओ। अगर कुछ गलतियां या खामियां रहती है, डिस्क्रिपेंसी रहती है दोनों सेट में, यानी पीओ ने जो भेजा है सेट उसमें और डीडीओ के पास जो सेट है उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डीडीओ करेगा इन कंसल्टेशन विद पीओ। ही शैल ऑल्सो नोट इन जीएफआर 5 रजिस्टर पर्टिकुलर ऑफ बुक एडजस्टमेंट एडवाइज बाय द पीओ थ्रू द मंथली स्टेटमेंट। और इसके अलावा जो पीएओ ने करेक्शंस कुछ सुझाए हैं या बुक एडजस्टमेंट सुझाए गए हैं मंथली स्टेटमेंट के द्वारा, वो भी नोट करेगा जीएफआर 5 में। कौन? डीडीओ। डीडीओ नोट करेगा जीएफआर 5 रजिस्टर में जो भी एडजस्टमेंट बुक एडजस्टमेंट बताए गए हैं पीओ द्वारा मंथली स्टेटमेंट में उसको। देयर आफ्टर द डीडीओ शैल फर्निश टू द पीओ सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द फिगर्स एज पर हिज बुक्स विद दोज इंडिकेटेड बाय द पीओज बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ अकाउंट। तो ये सब होने के बाद में एक सर्टिफिकेट देगा। कौन? डीडीओ। किसको देगा? पीएओ को, कि आपने जो भी करेक्शन हमें बताए थे वो हमने कर दिए, इसका ऐसा एक सर्टिफिकेट डीडीओ भेजेगा पीएओ को। तो डीडीओ सर्टिफिकेट देने के बाद में कब भेजेगा ये? लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ अकाउंट, जिस महीने का अकाउंट है उसके अगले महीने का लास्ट डे तक। तो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर और पीएओ वेयर एवर पेमेंट रिलेटिंग टू अ ग्रांट आर हैंडल्ड होली बाय पीएओ ऑफ ईच मिनिस्ट्री शैल सेंड अ मंथली स्टेटमेंट शोविंग द एक्सपेंडिचर वी सर्विस द बजट प्रोविजन अंडर द वेरियस हेड ऑफ द अकाउंट। तो ये आप तक हो गया। अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर का। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हर एक मिनिस्ट्री का एक मंथली स्टेटमेंट भेजेगा कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। किसको भेजेगा? इन द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, अभी तक हमने डीडीओ और पीओओ के बारे में देखे थे, अब हम पीएओ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे। तो पीएओ एक स्टेटमेंट भेजेगा किसको, कितना खर्चा हुआ उसका एक स्टेटमेंट भेजेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। पीएओ अपना स्टेटमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजेगा जिसमें कि उसको बताएगा कि कितना खर्चा अब तक हुआ है, जितना उसको ग्रांट मिला है उसके अगेंस्ट। उसके बाद में द फिगर्स कम्युनिकेटेड बाय द पीएओ शैल बी कंपेयर्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद दोज कंसोलिडेटेड इन द फॉर्म जीएफआर 8। तो
पीएओ ने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को फिगर भेजने के बाद हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके बाद जो रजिस्टर है जीएफआर 8 वाला उसके ऊपर से ये फिगर्स कंपेयर करेगा। एंड डिफरेंसेस इफ एनी शैल बी टेकन अप बाय द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट विद द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। और अगर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को कुछ करेक्शन दिखाई देते हैं उसमें तो वो किसको करेगा, बताएगा पीएओ को, और बाद में उसको फिर रिकंसिल कर दिया जाएगा। द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट शैल फर्निश अ क्वार्टरली सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजेगा किसको, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को, सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द फिगर फॉर द क्वार्टर बाय द 15th ऑफ द सेकंड फॉलोइंग मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, अप्रैल जून जून जुलाई जुलाई सेप्टेम्बर अक्टूबर दिसंबर एंड जनवरी मार्च। तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट भेजेगा कि उसने जो भी फिगर भेजे वो करेक्ट है, किसको भेजेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर को। क्वार्टरली स्टेटमेंट रहेगा उसमें बताएगा कि उसके जो फिगर भेजे थे वो करेक्ट है, और कब भेजेगा ये, जिस महीने का जिस क्वार्टर का ये फिगर है उसके सेकंड फॉलोइंग मंथ के 15 तारीख तक, जिस महीने का फिगर जिस क्वार्टर का फिगर है यानी अप्रैल जून का रहा तो उसके सेकंड मंथ मतलब जुलाई छोड़ के अगस्त, अगस्त के 15 तारीख तक वो बताएगा कौन, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट किसको बताएगा, पीएओ को, कि आपके जो फिगर है वो करेक्ट है। 57(6) नंबर का पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिसर्स ऑफिसेस अंडर देम द डिपार्टमेंटल फिगर्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन फॉर्म जीएफआर 8 बाय द 15th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ टू विच द रिटर्न रिलेट। तो अभी हमने देखा था पीएओ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, अब हम देखेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उसका जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेशन के बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑब्टेन फ्रॉम देयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिसेस अंडर देम डिपार्टमेंटल फिगर्स। तो फिगर यहाँ पर कौन ले रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो फिगर लेगा किससे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिगर किसको भेजेगा, डिपार्टमेंट को, और कौन से फॉर्म में, जीएफआर 8 के फॉर्म में, कब तक भेजेगा, 15 तारीख तक फॉलोइंग मंथ, 15th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ टू विच रिटर्न रिलेट्स, जिस महीने का रिटर्न है उसके अगले महीने के 15 तारीख तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिगर भेजेगा डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। द फिगर रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी सेपरेटली शोन इन दिस रिटर्न। तो रेवेन्यू का अलग फिगर रहेगा और कैपिटल का अलग फिगर रहेगा एक्सपेंडिचर के बारे में। द इन्फॉर्मेशन सो ऑब्टेंड शैल बी पोस्टेड इन रजिस्टर्ड केप फॉर वॉचिंग द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। तो जितने पैसे उनको मिले हैं उस डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको जितने पैसे मिले उसमें से किस तरह से खर्चा हो रहा है उसके बारे में जो रजिस्टर मेंटेन किया है उस रजिस्टर में ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, जो फिगर देगा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, उसके फिगर की नोटिंग उस रजिस्टर में होंगी जिस रजिस्टर में मेन वॉच करते हैं कि किस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी ग्रांट सैंक्शन हुई है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर शैल बी वर्कड आउट फॉर द पर्पस। तो हर एक महीने की प्रोग्रेसिव टोटल भी यहाँ पे नोट की जाएगी। इफ़ द डिपार्टमेंटल फिगर्स ऑब्टेन इन फॉर्म जीएफआर 8 एंड पोस्टेड इन रजिस्टर रिक्वायर करेक्ट क्शन इन अ सब्सिक्वेंट मंथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और अदर ऑफिसेस शैल मेक सच करेक्शन बाय मेकिंग प्लस और माइनस एंट्री इन द प्रोग्रेसिव टोटल। अगर जीएफआर 8 का जो रजिस्टर है और जो डिपार्टमेंटल फिगर है इन दोनों में अगर कुछ मिसमैच होता है या करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उस केस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोग्रेसिव टोटल में प्लस माइनस एंट्री करके करेक्शन कर सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इन केस द अकाउंट ऑफिस फिगर्स विच सब्सिक्वेंटली बिकम अवेलेबल आर फाउंड टू बी हायर देन द डिपार्टमेंटल फिगर्स द फॉर्मर शैल बी अज्यूम टू बी द करेक्ट फिगर एज अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स बुक्ड इन द अकाउंट्स। तो अगर अकाउंट ऑफिस के जो फिगर है वो बाद में पता चलता है कि हायर है, ज़्यादा है डिपार्टमेंटल फिगर से, तो ऐसे केस में अकाउंट ऑफिस के फिगर को ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट 57(7) द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड अदर अथॉरिटीज अंडर देम स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या फिर दूसरी अथॉरिटीज जो है उसके पास से स्टेटमेंट मंगवाएंगी जिसमें कि कोई अगर जो स्कीम के लिए पैसे दिए हैं तो उस स्कीम की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची उसके बारे में डिटेल होंगे। कौन मंगवाएगा या फिगर, डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट है वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ये वाले फिगर मंगाएंगे स्कीम की प्रोग्रेस के।
द स्टेटमेंट शैल शो द नेम ऑफ द स्कीम द बजट प्रोविजन फॉर ईच स्कीम द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर ऑन ईच स्कीम द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम इन फिजिकल टर्म एंड अ डिटेल रीजन फॉर एनी शॉर्टफॉल और एक्सेस बोथ अगेंस्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेट्स। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, किस पहले तो दिया होगा स्कीम का नाम, कौन सी स्कीम के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में बजट में उस स्कीम के लिए कितना पैसा दिया है वो देखेंगे, उसके बाद में प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर अब तक कितना खर्चा किया है उस स्कीम के ऊपर वो देखेंगे, उसके बाद में प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम इन फिजिकल टर्म उस स्कीम की कितनी प्रोग्रेस हुई है अब तक वो देखेंगे, एंड द डिटेल रीज़न फॉर द एनी शॉर्टफॉल और एक्सेस, अगर कुछ गलत कमी रहती है उसमें या कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस हो जाती है तो उसके बारे में रीज़न भी उसमें रिपोर्ट में स्टेटमेंट में बताएंगे, बोथ अगेंस्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेट, फिजिकल टारगेट और फाइनेंशियल टारगेट इन दोनों में कुछ शॉर्टफॉल या एक्सेस रहता है तो उसकी भी रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट 57.8 अ ब्रॉडशीट इन फॉर्म GFR 9 शैल बी मेंटेन बाई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ईच हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अदर अथॉरिटी डायरेक्टली अंडर देम टू वॉच द प्रॉम्प्ट रिसिप्ट ऑफ द वेरियस रिटर्न मेंशनड अबव फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड टू टेक नेसेसरी मेजर फॉर रेक्टिफाइंग एनी डिफॉल्ट नोटिस। तो एक ब्रॉडशीट रहेगा फॉर्म नंबर GFR 9 में, हर एक डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें मेंटेन करेगा, या कोई और डिपार्टमेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर अदर अथॉरिटीज़, और इसमें ये नोट करेंगे या वॉच रखेंगे कि जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं, हर एक महीने में मंथ टू मंथ में ये रिटर्न्स जो है अभी हमने जितने सारे रिटर्न देखे वो सारे रिटर्न बराबर आ रहे हैं नहीं, ये कौन देखेगा, या तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा या फिर ईच हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखेगा या दूसरे कोई अथॉरिटी जो उनके अंडर में है जिनको ये काम दिया है कि आप रिटर्न्स बराबर आ रहे या नहीं आ रहे उसका नोटिंग करके रखो, और अगर कुछ डिफॉल्ट होता रहा है या नोटिस में आता है तो उसको रेक्टिफाई करो। रूल 58 मेंटेनेंस ऑफ लायबिलिटी रजिस्टर फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, तो बराबर खर्चा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक रजिस्टर रहता है जिसका रजिस्टर का नाम है लायबिलिटी रजिस्टर। तो ये किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल ऑब्टेन फ्रॉम द सेंडिंग स्पेंडिंग अथॉरिटीज लायबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म GFR 3A एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो अक्टूबर महीने से चालू होगा ये कौन सा फॉर्म, फॉर्म GFR 3A हर एक महीने में ये लिया जाएगा, और जो स्पेंडिंग अथॉरिटी है जो खर्चा करने वाली अथॉरिटी है उनके पास से ये लायबिलिटी स्टेटमेंट लिया जाएगा। कौन से फॉर्म में, स्पेंडिंग अथॉरिटी से लायबिलिटी स्टेटमेंट लिया जाएगा फॉर्म GFR 3A में, हर महीने लिया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी अक्टूबर हर एक महीने में, और ये कौन लेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर ये वाला स्टेटमेंट मंगवाएगा स्पेंडिंग अथॉरिटी से। द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल ऑल्सो मेंटेन अ लायबिलिटी रजिस्टर फॉर्म GFR 3। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उसके पास भी एक लायबिलिटी रजिस्टर रहेगा लेकिन उसका नाम रहेगा फॉर्म GFR 3। जो स्पेंडिंग अथॉरिटी है उसके पास लायबिलिटी रजिस्टर रहेगा फॉर्म GFR 3A, और जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास रजिस्टर रहेगा GFR 3। उसके बाद में 59 नंबर का है, इसमें कहा गया पर्सनल अटेंशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट सेविंग और एक्सेस। तो अगर ज़्यादा कुछ बचत हो जाती है जो पैसा दिया है उनको खर्चा करने के लिए वो खर्चा नहीं कर पाते, बचत हो जाती है या फिर ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है तो उसके ऊपर पर्सनल अटेंशन रहना चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या कंट्रोलिंग ऑफिसर का। उसके बारे में दिया गया अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल बी इन अ पोजिशन टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ सेविंग और एक्सेसेस एवरी मंथ एंड टू रेगुलराइज देम इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन लेड डाउन इन रूल 62। तो रूल 62 में दिया गया है कि अगर कुछ ज़्यादा ही खर्चा होता है या अगर कुछ ज़्यादा ही सेविंग हो जाती है तो उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखा जाए, और ये काम कौन करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कंट्रोलिंग ऑफिसर, वो इस पोजिशन में होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि इस महीने कुछ बचत होने वाली है या एक्सेस खर्चा होने वाला है जो भी ग्रांट हुआ है उनको उसमें से। रूल 68 कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ग्रांट अप्रोप्रिएशन एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग इट। तो एक्सपेंडिचर जो भी है जितना पैसा मिला है उसके में से जो खर्चा हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेंगी, तो इसमें कहा गया अकाउंट ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न इमीडिएटली ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एनी
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकरिंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर एनी ग्रांट और अप्रोप्रिएशन और अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन देयर ऑफ। तो अकाउंट ऑफिसर है वो रिपोर्ट करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। किस बारे में रिपोर्ट करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अकाउंट ऑफिसर, जैसे उसको कुछ डिसप्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर के बारे में दिखता है, यानी कुछ बहुत ही अलग ज़्यादा खर्चा होने वाला है या बहुत अलग ही प्रोपोर्शन में खर्चा होने वाला है, ऐसा उसको अगर लग रहा है तो वो तुरंत ही अकाउंट ऑफिसर किसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। पर्टिकुलरली अगर रिकरिंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, जो हर महीने या हर बार जो रिकरिंग आइटम जो है उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसके ऊपर अगर डिसप्रोपोर्शनेट अगर कुछ हो रहा है खर्चा एक्सपेंडिचर, तो उसके बारे में वो तुरंत बताएगा। किसको बताएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाउएवर द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग अ ग्रांट अप्रोप्रिएशन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द ग्रांट अप्रोप्रिएशन एंड नॉट द अकाउंट ऑफ। लेकिन अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, सिर्फ रिपोर्ट करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, रिस्पॉन्सिबल वही अथॉरिटी रहेगी जो ग्रांट या अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएशन करता है। अकाउंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, जो ग्रांट किया है जिसने अप्रोप्रिएशन किया है वही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी कंट्रोल को, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए। रूल 61 देखते हैं, एक्सेस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सप्रेस एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा का खर्चा होता है, तो क्या करेंगे। द अकाउंट ऑफिसर शल नॉट अलाउ एनी पेमेंट अगेंस्ट सैंक्शन इन एक्सेस ऑफ द बजट प्रोविजन। बजट प्रोविजन में जितना सैंक्शन हुआ है उतना ही खर्चा अकाउंट ऑफिसर अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा का खर्चा अकाउंट ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, अनलेस देयर इज स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। जब तक चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी परमिशन नहीं देती तब तक, अगर चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ने परमिशन दे दी तो ज़्यादा का खर्चा भी अकाउंट ऑफिसर अलाउ कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, द फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बिफोर अकॉर्डिंग कॉन्करेंस ऑफ फॉर एक्सेस अंडर एनी हेड शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड थ्रू री अप्रोप्रिएशन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। तो फाइनेंशियल एडवाइजर या चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी अगर वो परमिशन दे रहे हैं एक्सेस खर्चा करने के लिए, तो पहले उनको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फंड कहाँ पर अवेलेबल है जहाँ से वो री अप्रोप्रिएशन करके यानी ट्रांसफ़र करके ये परमिशन दे सकते हैं एक्सेस खर्चा करने के लिए, या फिर कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से अगर पैसा आ रहा तो वो भी परमिशन दे सकते हैं एक्सेस एक्सपेंडिचर करने के लिए। इसके बाद में रूल 62(1) सरेंडर ऑफ सेविंग्स, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।